अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के स्नेकिंग न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट शकीरा। इस हफ्ते उर्वा हुकैन के बाद रही फिरोज खान की अलहदगी की खबरें उरूज पे। मालूम होता है कि फरागत की इंतहा के मारे हमारी नौजवान नस्ल इस बोरियत में तलाकों की खबरों से एंटरटेनमेंट लेने की आदि हो चुकी है। ये याद रहे कि दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस अफवाह का जिक्र नहीं किया और ना ही इसकी तरतीब की है। आइए इसके बारे में जानते हैं मस्ताना माही से। जी मस्ताना जी, सुनने में आ रहा है कि एक और खूबसूरत जोड़े की शादी खतरे में है। दोनों ने कुछ ही साल पहले धूमधाम से शादी की थी और इनकी शादी की तस्वीरों के नीचे इनका मदाउन ने फिरोज की बीवी को बार बार की बातें सुनाई थी कि वो खूबसूरत नहीं है। वैसे शकीरा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी बीवी को ना लेट डाउन नहीं करूंगा। मैं फिरोज से कम तो प्यारा नहीं हूँ ना, मेरे पीछे भी ना लड़कियाँ पागल है। शकीरा, मैं मुझ में क्या कमी नजर आई है मुझे ये बता दो। मस्ताना, आप ये बताएं कि फिरोज की अलहदगी की वजह क्या हो सकती है। जी शकीरा, कहा जा रहा है कि फिरोज की बहनें उमायमा और दुआ बहुत चलाक नंदे साबित हुई होंगी, तब ये रिश्ता नहीं चल पाया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शकीरा मेरी एक ही बहन है और उसका मैंने अपने घर में आना बंद किया हुआ है। मेरा यकीन करो, तुम्हें कभी वो तंग नहीं करेगी, एक बार आजमा के तो देखो। मुझे, मैं खुद जहर खा लूंगा पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये बताएं कि मदाहु का क्या रिएक्शन है फिरोज की इस खबर को लेकर। मदाहु का मिला जुला रिएक्शन है, कोई खुश है और कोई कह रहा है कि फिरोज डिजर्व्स बेटर, कोई कह रहा है कि मर्द होते ही बेवफा है और कोई कह रहा है कि सब हानिया हमर की वजह से हुआ है। यहाँ मैं इस बात को क्लियर करता जाऊँ कि शकीरा मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं है। अगर चाहे दीपिका पादुकोण खुद आ जाए, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। जो हानिया आमिर की वजह से हुआ है ना, वो कभी भी नहीं होगा। एक बार तुम हाँ करके देखो और प्लीज मुझे ना अनब्लॉक करो और मेरी बात सुनो। मैं बहुत शुक्रिया आपका मस्ताना माही। इस हफ्ते की अगली सबसे बड़ी खबर बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है बतौर एक पाकिस्तानी होने के, लेकिन अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो ये खबर आपको खुशी की लहर दे रही होगी। इसहाक डार, जो कि साबिका वजीर खजाना थे और आजकल नैब से छुप के यूके में बैठे हुए हैं क्योंकि उन पर वही खजाना खाने का इल्जाम है जिस पर उनको बिठाया गया था। गोरे अनखर ने किसी लिहाज के बगैर इतनी धुआंधार सवाल किए कि हकदार की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। आइए इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे पीटर से। जी पीटर, मैम उस हकदार डोंट नो के गोरा आस्क इतने मुश्किल क्वेश्चन, ही सॉ न्यूज बट ही डोंट नो आंसर, ही डोंट हैव हाउस, ही वेरी बैड हेल्थ। क्या बीमारी है उनको, आप बताएंगे? जी उनको ना कब्ज की बीमारी है जो अब गोरे डॉक्टर के मुताबिक बवासीर बन चुकी है, एंड दिस बवासीर विल कैन मे बी नॉट डेफिनेटली बट प्रोबेबली किल हिम। तभी आप देख सकते हैं कि ही नो कंफर्टेबल इन द चेयर। उनके चिल्ड्रन का कहना है कि डैड को सॉफ्ट चेयर नहीं दी अंग्रेजों ने, सॉफ्ट चेयर विद कॉटन बॉल्स। मैम द रिएक्शन ऑफ पाकिस्तानी इज वेरी फनी, दे सॉ इन न्यूज एंड से ग्रेव में इससे भी हार्ड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे एंड चित्र अलग पढ़ने का इम्कान है, मीनिंग पॉसिबिलिटी है। क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है? द वर्ल्ड नो, पाकिस्तान में मैम बिग थीफ एंड रॉबर्स रहते हैं, पीपल एंजॉय लाइक गेंडाज इन जू, वेरी गुड वर्ल्ड, लाफ गुड वेरी मच। पीटर आप उर्दू बोल सकते हैं? यस यस, इसहाक डार लाई ऑन टीवी एंड वेरी ढीट, उन्होंने वही झूठ बोला जो एवरी PMLN के पीपल स्पीक करते हैं कि हमारी बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंड दे से माई हेल्थ बैड, आई गो टू डॉक्टर एंड ऑल वर्ल्ड शेम शेम पाकिस्तान पीपल। बहुत शुक्रिया पीटर, हराम है जो एक लफ्ज भी समझ आया हो। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ ही दिनों पहले इसराइल के साबिका स्पेस सिक्योरिटी चीफ ने एक इंटरव्यू में एक धमाकेदार बयान दिया है। उनका कहना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इल्म है। वो ये बात बताना चाहते थे पर उनको ये बात बताने से रोका गया कि अगर पूरी दुनिया की आबादी ने ये सुन लिया तो वो बावली हो जाएगी। उनका ये कहना है कि एलियंस इस दुनिया में है और वो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। उनका ये भी कहना है कि मार्स में अंडरग्राउंड बेस है जहाँ एलियंस और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे काम करते हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने हिब्रू में दिया लेकिन ये बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। उन्होंने ये खबर बताते हुए कहा कि अगर ये बात वो 5 साल पहले बताते तो उनको पागल कह के हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता, लेकिन अब क्योंकि वो सिक्योरिटी चीफ नहीं है इसलिए उनके पास कुछ खोने को नहीं। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो आजकल जितने भी एलियंस एबडक्शन केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको भी सच मानना पड़ेगा। और तो और, जो नवाज शरीफ ने जलसे में कहा था कि उनकी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि मखलूक से है, तो इस बात में भी कोई ना कोई सच्चाई होगी। जहां अमरीकी खलाई मखलूक से दोस्ती करना चाहते हैं वहीं नवाज शरीफ उनसे लड़ाई चाहते थे। बस यही वजह है कि एलियंस कभी पाकिस्तान नहीं आए और शायद कभी नहीं आएंगे। US नेवी एयरक्राफ्ट को कुछ सालों पहले फ्लाइट के दौरान बहुत अजीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया जिसकी मूवमेंट फिजिक्स लॉज के अगेंस्ट थी। उसके मनूवर और मूवमेंट्स बहुत अजीब थे और अब बहुत सालों बाद 2019 में नेवी ने कहा कि हम नहीं जानते कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो देखा गया वो एलियंस
एलियंस ही थे जो कि हमसे कई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं। अब इंतजार करना है कि कब इंसानों के सामने आते हैं और हमें मेक श्योर करना है कि उनका आमना सामना कभी भी नवाज शरीफ से ना हो और वो कभी उनसे बात ना कर सके। फिलहाल तो मैं बात करते करते थक गई हूँ। आज के स्नेकिंग न्यूज में इतना ही था। शकीरा को दीजिए इजाजत। इस चैनल की लास्ट वीडियो ये रही, हाँ देखिए, सब्सक्राइब यहाँ करें। दूसरा चैनल गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए हमें ये भी बताएं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए खबरनामे के साथ।